हाँ तो गाइस आज हम आए हुए हैं आता महिंद्रा। ये पर्सनल एज वेल एज कमर्शियल दोनों टाइप के व्हीकल्स में डील करते हैं। इनके शोरूम के लोकेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। हाँ तो गाइस क्या हाल चाल है आप सबके। आज हमारे सामने महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक ये S11 वेरियंट है टॉप मॉडल। आज हम बात करेंगे इसके इंटीरियर एक्सटीरियर इसके प्राइस एंड इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका एक्चुअल प्राइस है 17,30,000 रुपये और इसका ऑनर प्राइस आपको दिल्ली में पड़ जाता है लगभग 21 लाख रुपये। अभी इस प्राइस पॉइंट पे क्या फीचर्स ऑफर करती है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले कीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको रिमोट कीज़ देखने मिल जाएगी। यहाँ पे अपन जाता है महिंद्रा का लोगो और आपको ये फ्लिप की फंक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। और दूसरी साइड आपको यहाँ मिल जाएंगे लॉक अनलॉक कनेक्शन के बटन्स। यहाँ पे आपको वार्निंग का कंट्रोल देखने मिल जाता है, मतलब है तो एक्शन का बटन ही। तो आप इससे गाड़ी को यहाँ पे वार्निंग कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चढ़े ना गाड़ी को। और दूसरी की यहाँ पे बिल्कुल सिंपल दी गई, इसके ऊपर आपको यहाँ पे रिमोट फंक्शंस देखने को नहीं मिले। गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लासिक और रेट्रो लुक्स देखने को मिल जाते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है यहाँ पे स्कॉर्पियो क्लासिक देखने में। यहाँ पे आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देखने मिलता है और ब्लैक कलर में तो और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। हेडलैम्प्स की बात करें, हेडलैम्प्स आपको यहाँ पे ड्यूअल हेडलैम्प देखने मिल जाते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पे। और जो यहाँ पे लो बीम है उसके लिए आपको यहाँ प्रोजेक्टर और हाई बीम के लिए आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर भी देखने को मिल जाता है। और साथ में आपको यहाँ पे ये कॉर्नरिंग लैंप्स भी देखने मिल जाएंगे। इसके अंदर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्लोज ब्लैक एंड क्रोम फिनिश का यूज़ किया गया है। एंड ऊपर आपको यहाँ पे डीएलएस देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्राइट दिए गए। नीचे आपको यहाँ पे फोग लैंप्स मिल जाते हैं, इसके ऊपर आपको यहाँ पे कुछ और डीएलएस वगैरह देखने मिल जाएंगे। एंड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं जो कि रिफ्लेक्टर बेस्ड ही दिए गए। ग्रिल की बात करें, ग्रिल में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश देखने मिल जाती है। वाले इसका डिज़ाइन भी आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। इसमें आपको यहाँ पे सेंटर में मिल जाएगा महिंद्रा का लोगो। एंड सेकंड ग्रिल की बात करें, सेकंड ग्रिल भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश मिल जाएगी, मतलब स्किड प्लेट। और बोनेट के ऊपर आपको यहाँ पे हुड स्कूप देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फीचर हो जाता है इंजन को कूल करने के लिए। एंड साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लासिक और रेट्रो लुक्स देखने मिलेंगे। हालांकि जो आपको यहाँ पे जो एलोवीज है ये मतलब डीलरशिप में लगाए हुए हैं, ऐसे नहीं आते वैसे, लेकिन ये भी देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको लगवाने हैं तो आप लगवा सकते हैं डीलर से ऐसे, जो कि देखने में इसका लुक और भी ज़्यादा इंप्रूव कर देते हैं। साइड प्रोफाइल में जो यहाँ पे व्हील आसिस और जो ये साइड क्लैडिंग है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, क्योंकि ये बॉडी कलर फिनिश में भी है। टॉप मॉडल में बॉडी कलर है और बेस मॉडल में आपको यहाँ पे मैट फिनिश में देखने मिलती है। आपको यहाँ पे जो साइड क्लैडिंग वगैरह है, नीचे आपको यहाँ फुट रेस्ट वगैरह देखने मिल जाते हैं, मतलब फुट स्टेप। और टर्न इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे फेंडर्स के ऊपर देखने मिलेंगे, इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिल्वर फिनिश में देखने मिल जाती है। एंड वॉल्यूम्स आपको यहाँ पे बॉडी कलर मिल जाते हैं और डोर हैंडल्स भी आपको यहाँ पे बॉडी कलर ही दिए गए। नीचे आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग देखने मिल जाती है विद सिल्वर फिनिश। एंड जो यहाँ पे रेन वाइजर्स लगाए हुए हैं ये एक्सेसरीज का पार्ट है। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स मिल जाती हैं जो कि लोड वाली हैं, ऐसे नहीं है कि ये ऐसे लगा दिए फालतू में एस्थेटिक के लिए, लोड वाली है, इस पर आप लोड भी रख सकते हैं। ऊपर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे साइज़ का एंटीना देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा छोटा भी नहीं, मतलब डिसेंट साइज़ का ही है। और जो यहाँ पे रियर व्हील है इसके ऊपर आपको यहाँ पे ड्रम ब्रेक्स देखने मिलते हैं, फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाएंगे। और अभी बैक प्रोफाइल की बात करें, बैक प्रोफाइल से भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लासिक और रेट्रो लुक्स देखने मिल जाते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन आपको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा यहाँ पे स्कॉर्पियो का। टेल लैंप्स की बात करें, टेल लैंप्स आपको यहाँ पे एलईडी वाइज देखने मिल जाते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे ब्रेक लाइट और जो यहाँ पे रनिंग लैंप्स है वो एलईडी वाइज देखने मिलेंगे। हालांकि जो आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स और रिवर्स पार्किंग लाइट है वो रिफ्लेक्टर वाइज देखने मिलेगी। टेल लैंप्स में आपको यहाँ पे स्कॉर्पियो की बैजिंग भी देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे और आपको यहाँ पे टोक भी दिया गया और थर्ड रूम एंटर करने के लिए आपको यहाँ पे फुटस्टेप भी देखने मिल जाता है। और जो यहाँ पे बम्पर है इसके ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स देखने को मिलेंगे। ऊपर आपको यहाँ पे महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग देखने मिल जाएगी विद S11। एंड यहाँ पे आपको इसको ओपन करने के लिए ग्रैब हैंडल देखने मिल जाता है, मतलब डोर हैंडल। और जो ये बूट डोर है आपको यहाँ पे ऐसे ओपनिंग देखने मिलता है, मतलब हॉरिजॉन्टली ओपनिंग है ये। रियर विंडशील के ऊपर आपको यहाँ पे वाइपर एंड डिफोगर दिया गया। ऊपर आपको यहाँ पे आई स्टॉप मिल जाएगा जो कि LED बेच दिया गया। एंड स्पॉइलर आप देख ही सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे अच्छे डिज़ाइन में देखने मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे स्पॉइलर देखने में। और अभी बूट स्पेस की बात करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ की बूट स्पेस देखने मिल जाती है। और ये थर्ड रो है तो आपको यहाँ पे दो सीट्स भी देखने मिलेंगी। हालांकि जो ये सीट्स है आपको यहाँ पे कुछ ऐसे एंगल में देखने मिलते हैं, मतलब ऐसे ओरिएंटेशन में सामने एक दूसरे को देखते हो जाओगे आप। वेल सीट्स हैं जो आपको यहाँ पे सीट्स है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन हाँ थोड़ी सी छोटे साइज़ में ज़रूर है। और इसको आप ऐसे फोल्ड कर सकते हैं स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए, मतलब बोर्ड स्पेस को इंक्रीज़ करने के लिए। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है ये थर्ड रो में एंटर करने के लिए। एंड बूट डोर के ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे दो स्पीकर्स मिल जाते हैं। सो
चलिए अब देख लेते हैं स्कॉर्पियो का इंटीरियर। सो आपको यहाँ पे ड्यूअल टोन इंटीरियर देखने मिल जाता है विद बेज एंड ब्लैक कलर्स। डोर के ऊपर देख कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे अपने ऑल पावर विंडोज के कंट्रोल विद ड्राइवर साइड ऑटो पैन ऑन फीचर। यहाँ पे अपने चाइल्ड लॉक बटन, डोर पकड़ने के लिए स्पेस, प्लास्टिक डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश मिल जाएगी। नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पे कुछ स्पेस मिल जाता है बॉटल्स वगैरह रखने के लिए, मतलब बॉटल तो नहीं आ पाएगी, कुछ क्लोथिंग वगैरह रख पाओगे आप यहाँ पे। और डैशबोर्ड के ऊपर आपको मिल जाता है डी फॉग एंड फ्यूल ओपन करने, मतलब फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लाइट स्विच मिल जाता है और आपको यहाँ पे ऑरेंज का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। ये रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते, सिर्फ आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स देखने को मिलती है। ऊपर आपको यहाँ पे एसीवेंट्स कुछ ऐसे डिजाइन में देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश भी देखने को मिल जाती है। और जो की होल है इसके अराउंड आपको यहाँ पे इल्यूमिनेशन जरूर देखने मिल जाती है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर देती है। नीचे आपको यहाँ पे फुट स्टेप भी दिया गया। और अब स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको फोर स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील देखने मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज में देखने मिलेगा आपको यहाँ पे। इसके ऊपर आपको यहाँ पे लेदर फिनिश भी देखने मिल जाती है और इसके ऊपर आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्लोज ब्लैक फिनिश देखने मिलेगी। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको यहाँ मिल जाते हैं इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स और राइट साइड आपको यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन देखने को मिल जाएंगे। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट्स में आपको यहाँ पे वेल सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट देखने को मिले, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल नहीं मिलता आपको यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील। अभी क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको एनालॉग डिजाइन में देखने मिल जाता है क्लस्टर। लेफ्ट साइड आपको यहाँ मिल जाएगा टैकोमीटर, बीच में एमआईडी और राइट साइड आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर दिया गया। जो एमआईडी है वो शो कर देती है आपको यहाँ पे ट्रिप्स। नीचे आपको यहाँ पे ओडोमीटर मिल जाता है। लेफ्ट साइड आपको यहाँ पे कूलेंट मिल जाता है और राइट साइड आपको यहाँ फ्यूल गोज देखने मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्रिप बी, ट्रिप ए, दो ट्रिप्स मिलेंगी आपको यहाँ पे और इससे आप सेट कर सकते हैं ट्रिप्स को। और स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड आपको मिल जाएंगे वाइपर्स के कंट्रोल एंड राइट साइड आपको यहाँ पे हेडलैम्प्स के कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। इसी में आपको यहाँ पे फॉग लैंप्स वगैरह के कंट्रोल भी देखने को मिलेंगे। अभी इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे आपको 9 इंच की टच स्क्रीन देखने मिल जाती है। वेल इंफोटेनमेंट सपोर्ट कर देता है ब्लूटूथ, ऑक्स एंड यूएसबी, एंड्रॉइड वगैरह का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता आपको इसमें। इसके अराउंड आपको यहाँ पे कुछ क्लोज ब्लैक फिनिश देखने मिल जाएगी और इसके साथ आपको यहाँ पे ये टच सेंसिटिव कंट्रोल्स देखने मिलेंगे, वॉल्यूम, होम, बैक और पावर के कंट्रोल्स। और इसमें आपको यहाँ पे कुछ ऐसे फीचर्स देखने मिलेंगे, यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाता है और आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ब्लूटूथ, रेडियो, म्यूजिक सेटिंग्स एंड आपको यहाँ पे ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाएंगी। और तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने, मतलब जो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस आपको यहाँ पे वेल डिसेंट देखने को मिल जाती है। कुछ ज़्यादा यहाँ पे खास इसमें है नहीं कुछ बताने का। हाँ, जो इसका यहाँ पे साइज़ रखा गया काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ये बताने की बात है। इसके नीचे आपको यहाँ मिल जाते हैं एसी कंट्रोल्स, ऑटोमेटिक एसी देखने मिलता है आपको यहाँ पे S11 वेरिएंट में। इसके लेफ्ट साइड आपको यहाँ मिल जाएगा टेम्परेचर कंट्रोल और राइट साइड आपको यहाँ फैन स्पीड कंट्रोल देखने को मिल जाता है। ऊपर नीचे आपको यहाँ मोड्स वगैरह देखने मिल जाएंगे, डी फॉग और एयर सर्कुलेशन। नीचे आपको यहाँ मिल जाता है हज़ार लैंप बटन। यहाँ पे आपको कुछ स्पेस मिल जाता है और आपको यहाँ पे 12 वी सॉकेट देखने को मिल जाएगा। एंड गियर लीवर की बात करें, गियर लीवर के ऊपर आपको यहाँ पे वेल ग्लोज ब्लैक एंड क्रोम फिनिश देखने मिल जाती है। तो इसके ऊपर आपको यहाँ पे सॉफ्ट टच भी देखने मिलता है हल्का बहुत। और स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको यहाँ पे 6-स्पीड मैनुअल देखने को मिलेगी। एंड सेंटर कंसोल में आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी वुडन फिनिश देखने को मिल जाती है, मतलब प्योर वुडन नहीं है लेकिन हाथ जो इसमें थीम रखा गया काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे आपको फोन रखने के लिए कुछ और स्पेस देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं एंड आपको यहाँ मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाएगी एंड आपको यहाँ पे रियर डिस्प्ले सीवेंट्स वगैरह देखने मिल जाएंगे। ऊपर आपको यहाँ पे मैनुअल डिमिंग एरर मिल जाता है। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, यहाँ पे माइक इंस्टॉल्ड है एंड सनवाइजर के ऊपर आपको यहाँ पे छोटा सा वैनिटी मिरर देखने को मिलता है और सनवाइजर ये कुछ इतना ब्लॉक कर पाएगा विंडो को, जो कि काफ़ी अच्छे से ब्लॉक कर लेता है विंडो को। ऊपर आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाता है, यहाँ पे आपको हुक मिल जाएगा एंड ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे टिकट होल्डर वगैरह देखने को नहीं मिलते। ग्लव बॉक्स की बात करें, ग्लव बॉक्स में आपको यहाँ पे वेल ग्लव बॉक्स में काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया, यहाँ पे आपकी मैनुअल्स वगैरह इजीली आ जाएंगी। एंड फ्रंट सीट्स की बात करें, फ्रंट सीट्स के हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, साथ में आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ऑल्सो जो यहाँ पे सीट्स है, जो यहाँ पे कोटदार सीट है, इसमें आपको यहाँ पे 6 एडजस्टमेंट्स देखने को मिल जाते हैं और ड्राइवर सीट में आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का फीचर भी दिया गया, तो आपको यहाँ पे टोटल 8 एडजस्टमेंट्स देखने मिलती है। हालांकि इसमें आपको यहाँ पे जो ये सीट्स है, ये आपको यहाँ पे फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ देखने मिलेगी। इस पर्टिकुलर गाड़ी में, इस यूनिट में यहाँ पे डीलर ने सीट कवर्स लगाए हुए हैं। और अब हम देख लेते हैं सेकंड डोर कंफर्ट। सेकंड डोर के ऊपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे पावर विंडो कंट्रोल, डोर ग्रैब हैंडल, यहाँ पे आपको प्लास्टिक डोर हैंडल मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा टिकट वगैरह रखने के लिए एंड आपको यहाँ पे बोतल होल्डर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और अब स्कॉर्पियो में देखिए कैबिन स्पेस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे डिसेंट अमाउंट ऑफ कैबिन स्पेस देखने को मिल जाता है और थाई सपोर्ट तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा विड्थ में देखने को मिल जाते हैं, मतलब लेंथ में देखने को मिल जाती है आपको यहाँ पे सीट्स। सेकंड डोर के ऊपर आपको यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, हालांकि जो एक कप होल्डर है यहाँ पे स्लंटेड देखने मिलते हैं, बोतल ही रख पाएंगे आप यहाँ पे, ये यह बता रहा हूँ मैं, कप तो यहाँ पे टेढ़े होंगे तो पान गिर दीजिएगा। ऊपर आपको यहाँ पे लाइट मिल जाती है जो कि हेलोजन बेस्ड है, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं एंड रियर सीट्स के हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल देखने को मिलेंगे।
और ये सीट्स पे आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट पे दिया गया। वेल अब इंजन की बात करें तो यहाँ पे अपन जाता है 2.2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन। फोर सिलेंडर कॉन्फिगरेशन में देखने जाता है आपको इंजन। ये इंजन प्रोड्यूस कर देता है 130 bhp पावर और 300 Nm ऑफ टॉर्क। काफ़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर देता है इंजन। ऊपर आपको यहाँ पे बोनेट इंसुलेटेड देखने को मिल जाएगा। वेल यही सब था गाड़ी में बताने के लिए, और कुछ बाकी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।